शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश अब हर नगर पालिका और नगर पंचायत में सूखे कूड़े को निष्पादित करने के लिए कूड़ा संयंत्र लगाएगी, जिसमें कूड़े से ईंट और टाइल बनाई जाएगी। इस तरह का एक संयंत्र नालागढ़ और दूसरा संयंत्र कांगड़ा में लगाया गया है, जिसमें सूखे कूड़े को निष्पादित करने के बाद इससे टाइल और ईंट बनाई जा रही है। यह बात शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बैजनाथ में प्रेस वार्ता में कही, जब उनका ध्यान दिलाया गया कि नगर पंचायत में पिछले 3 साल से एक डंपिंग साइट नहीं बन पाई है। तो इसके जवाब में उन्होंने यह बात कही कि जब उनका ध्यान नगर पंचायत कार्यालय में स्टाफ की कमी की ओर दिलाया गया तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कार्यकारी सचिव के ऊपर डाल दी और कहा कि जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे कैसे काम करवाना है इसकी जिम्मेदारी भी सचिव के ऊपर है। उन्होंने कहा कि सरकार को चलाने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की है, जिसमें कोई भी बहानेबाजी सहन नहीं की जाएगी। हर विभाग में कुछ न कुछ कमी रह जाती है जिसे दूर किया जाता है। ऐसा तो यूज होना ही होना है, ठीक है, और काम करने के 100 बहाने हैं। और ऐसा तो है नहीं किसी न किसी को, यहाँ ईओ है, ईओ कौन है यहाँ पे, साथी है, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है। उन्होंने अपने तरीके से सबसे काम करवाना है और हर विभाग में थोड़ी बहुत कमी कहीं रह भी जाती है एम्प्लॉइज की, लेकिन जो कार्यरत हैं, गवर्नमेंट जिनको पे कर रही है, सरकार को वो चलाते हैं और सारे काम उसी के अनुरूप हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी जैसे प्रेमी जी ने विधानसभा में मेरे से लगातार इस बार बात किया तो उनको मैंने बोला मैं प्रायोरिटी के ऊपर आपके लिए यहाँ पैसा जो है सेंक्शन करके आपकी पार्किंग का काम जो है उसको सुचारू करेंगे। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है ये अपने रस्तों के, पार्किंग के, पार्क्स के, हर तरीके से पूरे प्रदेश में पैसा जो वितरित हो रहा है और अच्छे तरीके के साथ विभाग के लोग इसको चला रहे हैं। और ऊपर से डंपिंग साइट का भी सबसे बड़ी समस्या यहाँ बनी हुई है, अभी तक बन नहीं पाई है कई बार। चलो हमने हर निकाय के लिए ही प्लानिंग की है, फिलहाल मैंने कांगड़ा में की है। या आपके यहाँ पर अगर नगर पंचायत जो या नगर परिषद आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांगड़ा के हैं, धर्मशाला के हैं, कॉरपोरेशन के एरिया है, और जो भी प्राइवेट भी अगर लोग जो है जो नगर परिषद में नहीं आते, पंचायत का एरिया भी है, वो भी अपना जो है ड्राई कचरा जो है वो कांगड़ा में जो मिशन हॉस्पिटल के पीछे हमने एक पीपी मोड पे शुरू की है और उसमें टाइल्स और ब्रिक्स बन रही हैं, तो अभी उसको शुरू हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, तो वहाँ पे ये भी अपना ड्राई कचरा वहाँ भेज सकते हैं, उसको सुचारू रूप से नगर परिषद के लोग जो है, नगर पंचायतों के लोग जो है उसको मैं अपना रख सकते हैं। मैंने एक नालागढ़ शुरू किया है, एक कांगड़ा शुरू किया है और मेरी प्लानिंग है कि हर नगर पंचायत में ही अगर इस तरह का बन जाएगा तो उसके लिए नेक्स्ट प्लानिंग हमारी चल रही है। बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।